अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कभी भी आउटरो में आते थे, अब इंट्रो में आ गए। बोले तो भाई एक छोटी रिक्वेस्ट करना है तुम लोगों से, बस वीडियो बहुत जनों देख रहे हैं मगर लाइक कौन भी नहीं कर रहे। भाई लाइक करे तो क्या होता मालूम, वीडियो इधर उधर रिकमेंडेड होता, वीडियो इधर उधर रिकमेंडेड हुए तो व्यूज़ भी अच्छे आते और सब्सक्राइबर्स भी गेन होते। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करो और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर ये वीडियो को 2 डेज के अंदर 200 लाइक्स आए तो मैं एक हॉरर चैलेंज करूँ। एलोन हॉरर चैलेंज है, मैं वो जो मेन वीडियो का टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, अभी याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाके देख लो उसमें से भी, और एनी जाके व्यूज़ उसको देखो कैसा रहता। चलो वीडियो कैसा है देखेंगे। चलो राइट बाबा बाबा बाबा, कॉलेज को जा रहा हूँ, पेट्रोल को पैसे। क्या हो ना, पेट्रोल को पैसे? कहाँ है कॉलेज? मैं बस 1 किलोमीटर दूर आता। 1 किलोमीटर आता, चलिए दिन आ रहे 100 रुपये पेट्रोल डाल लो बोल के। होगा हो गया, गाँव गली रोडों पे आवारा तुम ना, जो कॉलेज के पीछे चक्कर तुम ना। एक कॉलेज जाओ तो 10 कॉलेज में पढ़ता है तू? हाँ 10 कॉलेज में है तू, एक इस कॉलेज में पढ़ रहा ना। 1 किलोमीटर आता जाने, 1 किलोमीटर आने, 1 किलोमीटर दोपहर में जाने, 1 किलोमीटर आने, 1 किलोमीटर कितना होते? 4 किलोमीटर होता। तुम कितना फिर 100 रुपये का पेट्रोल देता होता, 1 लीटर आता पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए बोलते 1 किलोमीटर बोलते 4 दिन चलना गाड़ी, 1 दिन में खत्म कर दिया। नहीं है पेट्रोल को पैसे जाना जा, नहीं तो अम्मी का नहीं पूछ ले तो भी अम्मी नहीं रहते पैसे में, बोल दे तू सुनिया जाना जा पैदल, नहीं तो रखो जा, नहीं तो छोटे की साइकिल है साइकिल लेके जा, न तो पूछ पेट्रोल के पैसे चल। हमारी परेशानी बहुत, क्या होना भाई, नौजवान बच्चे अपन चार गलियाँ फिरते फोटियाँ पीछे खाना पाना करते, ना क्या माना कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाव, छोटे साइकिल लेके आ रहा हूँ। अरे क्या रे मामा, बेजार की आ रही, कहाँ तो दही चलना रे भाई, उनका लॉकडाउन में भी नहीं फिर अपन पूरा लॉकडाउन खुल गया, हैदराबाद जाके मस्त घूम जाएंगे, साले यहाँ खुल गए पूरे, फुटियाँ वुटियाँ सब रहे थे मामा, चल रही है हैदराबाद जाता रे। पेट्रोल का रेट देखा, 100 रुपये होगा पेट्रोल का रेट, अब तो हैदराबाद जाएंगे बोलते जा गए तो जेब के पूरे पैसे खाली हो जाते, वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, दिक्कत में काले छोड़ गए गर्ल्स कॉलेज में आया रोना वहाँ देते कौन हो जाता वहीं देख ले के, तू हैदराबाद जाएंगे तो पूरे खाली होगा, वहीं तो नहीं आपको जाना है, तू जा बस पकड़ ले। अरे हैदराबाद नहीं तो भी नहीं रहे भाई, करीमनगर तो जाके नहीं रहे भाई, शहर में मस्त बना रहा करते लॉकडाउन के बाद, जबरदस्त बना रहा, मैं खिलाता हूँ चल। तू खिलाता बोल, शहर में पूरा जितना लगे था उतना खिलाता बोलते, मैंने यहाँ से पेट्रोल के रेट देखा 100 रुपये हो गए, मैं एक कदम भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकालता हूँ, घर से चौक पे लेकर आएंगे गाड़ी, नहीं नहीं आता मैं, तू जाना है जा बस पकड़ लेगा 50 रुपये टिकट। अरे करीमनगर नहीं तो भी नहीं रहे भैया, रुटला जाइए रे भाई, मस्त जूस पॉइंट है, कॉलेज ओपनिंग हुई अमजाद जूस पॉइंट बोल के है, मस्त फालूदा बनाता पट्टा जाके वो तो भी खाइए रे फालूदा। क्यों जाने कितना पेट्रोल होता मन, 200 रुपये का पेट्रोल लगता, फालूदा 50 रुपये में मिलता, अगर जाग खाए तो फालूदा ज़्यादा पेट्रोल के पैसे जाते, मैंने यहाँ तू जाना है जा 30 रुपये टिकट है बस पकड़ ले जा एक्सप्रेस की, मैंने आता। अरे नवाब तो भी जाएंगे रे, चाय पी के जाएंगे नवाब से जाके, पेट्रोल के रेट देखा 100 रुपये हो गए, अब तू नवाब से कहते गए शीशी का पेट्रोल खत्म हो जाता, मैं नहीं आता तू जाना जा पैदल, तो पोटे कौन आते उसकी साइकिल पकड़ ले जा, मैं नहीं आता जा। नवाब को नीचे नहीं रहा भाई, चचक दुकान जा सिगरेट ला के हाफ हाफ तो भी मारी है, चल रहे चचक दुकान पिलाता सिगरेट पिलाता हूँ चल, तो पिलाता चल देंगे चल, गाड़ी निकाल रहे पेट्रोल के रेट देखा 100 रुपये हो गए, एक कदम भी यहाँ से नहीं निकाल दू, वहाँ जाने भी शीशी होने, तू जाना जा पैदल, नहीं तो मैं पैदल जा रहा हूँ, तू आना था हमेशा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ चल माफी। इन्हें कहीं कहता है रे भाई यहाँ पे कॉलेज खुले मामा, लॉकडाउन में नहीं खुले, अब खुले पोटियाँ सुबह सुबह मॉडलिंग करके रेल में रहते, चल गाड़ी निकाल एक 4-5 पोटियाँ को तो डाल लेंगे, एक कंटिव नहीं है दिमाग खराब हो रहा। वाह इन्हें कहीं कहता है रे भाई यहाँ पे साला, इसको गाड़ी दे पूरा पेट्रोल खत्म कर देता है इन्हें, नई गाड़ी दे दे फिर आ जाते मामा, फोन आ रहा है, फोन बात करते चलेंगे, हाई 10 मिनट। हेलो हाँ भैया, हाँ पक्का बोल जाएंगे भाई जाएंगे, नहीं तो मैं बच्चे को बुला लेता हूँ दूसरे, पहले छोटिया नहीं है कुछ भी नहीं है लॉकडाउन में, कोई बच्ची को नहीं पटा मैं, अब तो भी पटा लेंगे बोले तो तू आ तो बोल चला आता, बच्चे को बुला लेता हूँ तेरे। हाँ मामा जाइए, पक्का पक्का जाइए, हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ 2 मिनट।
अरे कॉलेज का टाइम होता है रे भाई, इधर उधर ही फिरता है, आता नहीं आता, मैं उसको फोन कर लेता हूँ, फिर बच्चे को जल्दी बोल आता मैं आता। आरो आरो किसको फोन को कर, आरो दो मिनट में आ रहा हूँ। A few moments later. टाइम होता है रे मामा, 5-10 मिनट है रे, तो ऐसा 2 मिनट रही खड़ा कर दे रहा क्या रे भाई, फोन कर तो मुझे फोन करने नहीं देता है। अरे मामा आता नहीं आता, कॉलेज का तो टाइम होगा, घर को जा रहा हूँ, चले थे आता नहीं आता। अरे मामा 12:30 होते, दोपहर का टाइम हो, अब तो भी छूटता रे काले, चल रहे भाई, दो मिनट बोल, कब तक इंतजार कर रहा था रे। हाँ ओके भैया, हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, चल मामा जाइए। चाबी तो निकाल दो। चाबी मामा पैसे नहीं है रे, पेट्रोल को घर में पैसे पूछे नहीं दिए पेट्रोल को, अरे वहाँ से चौक पे लेकर आए, अब यहाँ से जाते हो कैसा देखा कि बिल्कुल मैं देखूँ, ढकल ले जाना पड़ता है तब। अरे जब से वोट कट करा रहे साले, फिर अब बच्चे बुला, तुम्हें तो बुला नहीं दिया। मामा बच्चे आओ बोली रे डेट पे, मार गाड़ी नहीं है रे साला, वो छोटे छोटे गाड़ी हम लोग जाना जाती, बड़ी गाड़ी रहना मस्त लग जा सकते रे। फुटी फटा जा रहे तू, और डेट पे भी जाता है अभी? डेट पे जाता हूँ, देख रहा है मामा मेरी जिंदगी झंड है, कौन पोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है मामा, उसको देखो देख मामा क्या गाड़ी है रे। शे पट्टा क्या गाड़ी ले आ रहो, बच्चा बच्चा ऐसे गाड़ियां दिलाते हैं उनके मामा, हमारे त्रोड़े मामा मेकन रहना था रे मामा, ये गाड़ी फुटिंग डेट पे लग गया था। तू टेंशन न कोले पट्टे, खाली 2 महीने रुक, उससे नई गाड़ी उठाता, खाली तू देखते खाना ना बोला, तू डेट पे लेक जा, तेरे होली में मैं दुल्हन को बिठा ले, वही गाड़ी जा। सुनिए सही कर रहा मामा, 2 महीने में दे तू गाड़ी मामा, पक्का देता ना रे, पक्का लेके तेरे को दे तू, पहले तू ड्राइव कर, मैं चला तू, मैं शोरूम से तू ही निकाल, सुनिया पक्का मामा, ओके पक्का ठीक है ना, ओके रे। अरे मामा क्या कुछ तो बोल रहे है, मालूम, अरे मामा, अरे बैल के पास में मामा के आगे कुछ तो बोल, अरे मामा अरे तू बैल का छेटवा है मामा के आगे कुछ तो बोल रहे है। ओ तेरा भट्टा बेने लिए 600 लिया, देख नहीं लगा, कौन आदिल गया, हाँ सही बोल रहा, सही मामा, मजाक कर रहा है, अरे मामा सही रे, अरे सही फोन कर उसको, पूछ ले। हेलो हेलो मामा बोल, कहाँ है रे मामा? यहाँ अभी गाड़ी लेके घर से बाहर निकला। अरे क्या रे मामा, तू ऐसा बोला शोरूम से गाड़ी मेरे को निकालो बोला, अलग अलग जाके ले लिया क्या रे पिंडे का? बाबा तेरे बाबा के साथ जाके नई गाड़ी लेके आ ली हूँ तेरे सामने, अभी आ रहा हूँ, तू कहाँ है वो बोल। मैं सबिया पप्पू घर का हूँ मामा। हाँ तू वहीं इतना, मैं 2 मिनट में गाड़ी डाल लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जल्दी आ मामा जल्दी आ, ठीक है मामा, तुम ना दोनों बात अंगल में जाता हूँ, जाता हूँ। अरे क्या रे मामा, मस्त गाड़ी लिया तू, अरे क्या गाना गा ले सुना था, मुबारक। हाँ मामा मुबारक, पेट्रोल आप बीच में कर दे नहीं मामा, नीचे कर दे, बीच में आप कर दी मैं पेट्रोल। अरे क्या रे मामा, पेट्रोल आप कर रहा मामा, बहुत सा गया था रे, पेट्रोल कैसा कहते 100 रुपए लीटर कहते, बहुत गए धज्जियाँ उड़ गए, 100 रुपए लीटर बोलते, गाड़ी लेने से पहले उनको 90 रुपए 80 रुपए बोल के मालूम था, अब रेट देखते 100 रुपए बोलते, बहुत कितने का था नहीं, आप लीटर डाला है 50 रुपये का मामा।
गले तो मिल मामा पेट्रोल का लाइट ले ले। ठीक है मामा। भाई गाड़ी ले ले। गाड़ी क्या? मामा कैसी है खाली गाड़ी? अरे मस्त है मामा गाड़ी। अरे तू वोइस नहीं रहे अपन उस दिन देखे थे। वोइस बेनिली 600 लिया। अरे मामा अच्छी है ना रे मामा। नहीं मामा गाड़ी। मामा देना रे मैं डेट पे जाता हूँ रे। डेट पे पेट्रोल का रेट देखा 100 रुपए यहाँ से खत्म ही नहीं ला सकता। हाफ लीटर डाला है खाली वहाँ पेट्रोल। नको पूछ मामा गाड़ी। ठीक है ना गाड़ी नको पूछ सब पूछ मार। टी शर्ट पूछ निकाल दे तो। अरे क्या रे मामा ऐसा बोल रहा देते वक्त लेते गाड़ी नहीं देता मामा। गाड़ी तू पूछा बोल के मैं नहीं आता मामा। मामा तू लेने से क्या बोल रहे? नहीं रे गाड़ी नहीं देता बाबा। नको दियो 50 रुपए का लीटर वाले वहाँ पेट्रोल नहीं दे रहा गाड़ी। गाड़ी लेने से पहले तो बड़े बड़े बातें कर यार। 2 महीने पहले मामा मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो देखो दूध ले जाओ बदल गया और पेट्रोल के रेट भी आखिरी हो गए। आखिरी है आपको भैया ले लेना पार्क है पीछे पार्क में जाकर बढ़िया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these.